विधानसभा चुनाव का घमासान चल रहा है। कल मध्य प्रदेश में वोटिंग होगी, एक साथ सभी सीटों पर वोट पड़ेंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ में दूसरे और आखिरी चरण का मतदान होगा। चुनाव की तैयारियां पूरी हैं, अब मतदान की बारी है। विधानसभा चुनाव का सियासी घमासान चल रहा है। छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 70 सीटों पर मतदान होना है। मतदान के एक दिन पहले गुरुवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कांगले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूसरे चरण के मतदान को लेकर जानकारी साझा की। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि दूसरे चरण की 70 में से 9 सीटों पर सुबह 7 बजे से दोपहर 5 बजे और बाकी की 61 सीटों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा ने बताया कि राज्य की 70 विधानसभा सीटों के लिए 958 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें से एक तृतीय लिंग प्रत्याशी भी शामिल है। इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कल 1,63,14,479 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर करेंगे। राज्य की 70 विधानसभा सीटों में से 20 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की संख्या ज्यादा होने की वजह से डबल ईवीएम मशीन दी गई है। इन मतदाताओं में 2,160 ऐसे मतदाता हैं जिनकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा है। द्वितीय चरण में जो विशेषता रहेगी वो ये है कि हर विधानसभा में 10-10 संगवारी मतदान केंद्रों या पिंक बूथ्स का निर्माण किया गया है, जिसमें सभी मतदान कर्मी जो है महिलाएं रहेंगी और सुरक्षा कर्मी भी जो है महिलाएं ही रहेंगी। द्वितीय चरण में राज्य में इस तरह के कुल 727 संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके साथ साथ 71 दिव्यांग मतदान केंद्र रहेंगे, जिसमें जो मतदान कर्मी हैं वो दिव्यांग रहेंगे और 71 जो है युवा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और इस तरह से इन्हीं में से 347 मतदान केंद्रों को जो है आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। उधर इस बार मध्य प्रदेश में चुनावी मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर होने वाली है। हालांकि कई पार्टियां जैसे सपा बसपा और आम आदमी पार्टी यहां से चुनाव लड़ रही हैं। कुछ सीटों पर उलटफेर भी हो सकता है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच यह मुकाबला काफी दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि साल 2018 में हुए चुनाव के दौरान कांग्रेस 114 सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी की हैं। 230 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कल मतदान होगा। मतदान प्रातः 7 बजे से आरंभ होकर के शाम के 6 बजे तक होगा। इसमें बालाघाट के जो 3 विधानसभाएं हैं, बैहर, लांजी और परसवाड़ा, इनमें मतदान 7 बजे से 3 बजे तक होगा। इसके साथ ही मंडला के जो 55 मतदान केंद्र हैं और डिंडोरी के 40 मतदान केंद्र हैं, इन पे भी मतदान 7 बजे से 3 बजे तक होगा। इसका कारण ये है कि ये तीनों जिले नक्सल प्रभावित जिले की श्रेणी में आते हैं। बहरहाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मी तेज है। जहां मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा की 230 सीटों के लिए सुबह सुबह 7 बजे ही मतदान शुरू हो जाएगा, तो वहीं शाम 6 बजे तक चलेगा। इन वोटों की गिनती अगले महीने 3 दिसंबर को होगी। 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनावी नतीजे सामने आएंगे। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज़।